98 रुपए किलो खरीद आके हम 100 रुपए की बेच रहे हैं। क्यों महंगा है प्याज यहाँ? खराब हो गई है, आमदनी है नहीं ज्यादा प्याज की। कहाँ कहाँ से आता है यहाँ पे प्याज? नासिक से आता है, चकरपुर मंडी हम लोग लाते हैं, नासिक से आ रही है। आने वाले दिनों में क्या कम होने के आसार हैं? जब सारे चारों तक फसलें तैयार होंगी तो फिर कम हो जाएगी। फुटकर बाजार है चिदवाई नगर मंडी में, तो यहाँ पे जो प्याज का रेट है भैया वो 100 रुपए किलो का। क्या कारण है जिसकी वजह से प्याज महंगा हो गया है? कारण यही है भैया कि प्याज जो है स्टॉक में जो नई प्याज है वो खराब, बारिश होने के कारण खराब हो गई। पुराना माल जो स्टॉक करता वो खत्म हो गया है, तो उसके कारण नई प्याज जो है लेट हो गई बारिश होने से, उसके वजह से प्याज जो है महंगी है, यही कारण है। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है, जनता त्राही मची हुई है महंगे प्याज को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी वैसे पहले कभी जब पूर्व में कई चीज़ों की महंगाई बढ़ती थी तो स्टॉल लगवाती थी, इस बार क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? हाँ देखिए, आप इतिहास उठा करके अगर देखो, जिस समय दाल की कीमतें बढ़ी थी, केवल जो बिचौलिए थे, जो जमाखोर लोग थे, उन पर जब छापे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पढ़वाए तो सारी कीमतों में गिरावट आ गई। और इसी प्रकार का फिर से जो जमाखोर हैं बीच में ये वो करते हैं। और जब समाचार पत्रों में कहीं आ जाता है कि प्याज की खपत कम है या प्याज महंगा हो रहा है तो अनचाहे महंगा हो जाता है। आप थोक बाज़ार में जाकर के रेट लीजिए तो कुछ है, और जमाखोर उस रेट को कुछ कर दे रहे हैं, यानी 2-4, 10-20 लोग वातावरण को बिगाड़ते हैं। लेकिन हमारी सरकार में ये संभव नहीं है, जमाखोरों पर अभी सख्ती होगी और ये प्याज के दाम आपको वहीं के वहीं मिल जाए।